डांसर्स के दीवानों के लिए फिर से आ चुका है डांस थीम वाला मूवी और उसका रिएक्शन करेंगे हम, उस मूवी का ट्रेलर रिएक्शन करेंगे हम आज इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस टू लुक फॉर अशी एंड वी आर हियर टू रिएक्ट द ट्रेलर ऑफ डांस स्ट्रीट डांसर 3D। हाँ, ये स्ट्रीट डांसर 3D है। इसमें है वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा और इसमें नए एडिशन है नोरा फतेह। तो वो है आई थिंक रेमो डिसीजा, वही डायरेक्टर हैं इसके। एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इस ट्रेलर को रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ। चलिए देखते हैं इस ट्रेलर को, रिएक्ट करते हैं आपके लिए। चलिए। इंडिया और पाकिस्तान, चाहे क्रिकेट में मिले या डांस बैटल में, मजा तो आएगा। और मेरी लाइफ का रूल नंबर 1 है, नेवर बी नंबर 2। अगली बार मुकाबले का मन होना तो कुछ नया सीख के आना। अदा तो देख भाई, अदा अकड़े इसकी। अरे एक दिन एक कमेंटेटर ने ना इनके कैप्टन से पूछा, यू नो इंग्लिश? उसने बोला, अंग्रेजी कम्स टू मी, मतलब इंग्लिश आती है। कमाल, गले पड़ने वाले आज, गले लग रहे हैं अचानक। यस सर, मैं मानता हूँ एक अलग कंट्री से, पर सर मेरी बीजी हमेशा कहती है लव दाय नेबर। कुछ नया देखना था ना, ये था नया। तू जानता है तुम्हारे और हमारे डांस में क्या फर्क है? तू खुद के लिए डांस करता है, हम दूसरों के लिए। पर क्या है ना अन्ना, चैंपियन भी इक्का तब निकालता है जब सामने बादशाह होता है। मजा आएगा। Hey guys, guys, Ground Zero Event is back. And you feel you can win? Of course, sir. We have the best team. मुझे बस वो इनायत और उसके गैंग को हराना है। तुम लोग नेशनलिटी रिलीजन क्रिकेट के नाम पे हमेशा आपस में लड़ते हो ना, ये लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में। पाजी, आपने वैसे झूठ क्यों बोला पाजी हमें? वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के लिए कंपटीशन जीतना चाहते हैं, तेरे जैसे लोगों की वजह से उनका ये हाल है। अब तेरे दिल की बारी है, अब सिर्फ उसकी सुन। मेरी बीजी हमेशा कहती है कि चाहे तेरे लब पे वाहेगुरु का नाम आवे या ना आवे, लेकिन वो पल भी इबादत दा होंदा है जब तू किसी और के काम आवे। हम लोग एक कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। Watch out, we're back again, go! ये like they are just trying to give another angle. इसमें वो like क्रिकेट का मिक्सअप करके इस तरह का ये कर चुके हैं। It looks like India Pakistan का like थोड़ा ये कर रहे हैं, like दो टीम्स अलग हैं and they are against each other. But again, how they would come maybe together, something उस तरह का like वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट्स दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे। बट व्हेन आई सी दिस, इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स जो भी फर्स्ट मूवी जो ABCD था ना, लाइक उसमें के फर्स्ट मूवी, लेट मी बी वेरी हॉनेस्ट, मैंने ABCD भी देखा है, ABCD 2 भी देखा है। फॉर मी आई स्टिल फील पर्सनली जो फर्स्ट वाला था दैट वॉज द बेटर मूवी। उसमें जो सलमान थे वो धर्मेश थे एंड यू नो जो लाइक दे वर जेन्युइन डांसर्स। फर्स्ट मूवी इन इंडिया लाइक जो डांसिंग का टाइप जो हॉलीवुड में बना था, तो
Maybe it was the first movie I had very much emotional connect with that movie. Second में वरुण धवन है, श्रद्धा कपूर भी थी इसमें, और एक थी ना, क्या उनका नाम था, लॉरेंस, वो कोई थी ना जो बाहर से भी अकेले, वो भी फुल अच्छी डांसर थी, वो नहीं, आई थिंक उनकी जगह यहाँ पे नोरा फतेह है इसमें. दैट्स द ओनली चेंज आई एम सीइंग, अदरवाइज इसको ए बी सी डी 3 भी बुला सकते थे. तो इस हिसाब से फर्स्ट मूवी में क्या था, इंट्रो था, उनका स्ट्रगल दिखाया था, स्ट्रगलिंग का बहुत ये था. या सेकेंड मूवी में क्या था, कॉम्पिटिशन बिल्ड किए हैं ये, जहाँ पे एक एक ग्रुप और दूसरी ग्रुप से कॉम्पीट करती है. और इस मूवी में वो कॉम्पीट करने के लिए भी उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा था उसको, लाइक प्रभु देव ही विल से नहीं, एटलीस्ट एक चांस तो देके देखो करके. दैट्स व्हाट वो एक एक सेट किया था, एक बेस. अभी ये वर्जन मैं जो देख रही हूँ, ये जो पात्री, ये पात्री नहीं है, दिस इज टोटली सेपरेट स्ट्रीट डांसर. आई थिंक इट्स, दे आर नॉट, दे डोंट वांट टू कीप इट टू दैट फ्रेंचाइज, दे जस्ट केप्ट इट सेपरेट. अदरवाइज वो उसमें तो दोनों एक साथ में ही थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे उसमें. सो नाउ हियर दे आर फाइटिंग, अभी यहां पे एक कांसेप्ट बनाए हैं, लाइक यू नो फर्स्ट मूवी सेकंड मूवी बेस हो गया, एंड देन थर्ड मूवी में ये कॉन्सेप्ट, राइट? तो इट इज काइंड ऑफ अ पार्ट थ्री ओनली, जस्ट द नेम इज डिफरेंट. काइंड ऑफ मेकर्स आर सेम, यू नो ये जो एक्टर्स हैं मोर और लेस सेम हैं, तो उसी टाइप का फ्रेंचाइजी ही हो गया. कुछ होने वाला है क्योंकि ऐसे ऐसे ही, एंड इसमें बस ये कॉन्सेप्ट डाला है. और ये ट्रेलर देखते देखते मुझे इतने सारे मूव्स दिखाई दिए, छोटे छोटे से, जो कि बहुत अच्छे हैं. लेज़र फिनिश के जो स्टेप्स आते हैं आजकल डांस में, वो दिखाए गए. एंड वो मैं देखी थी मेलविन लुइस के चैनल पे. आई फॉलो हिज चैनल अलॉट, क्योंकि उनके जो डांस स्टेप्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं. तो वो अपने डांस के जो वीडियोस बनाते हैं, कभी कभार वो लेज़र फिनिश देते हैं, तो दैट आई सॉ. और एक ज़बरदस्त स्टेप मैंने देखा जो चल के जाते हैं सबके ऊपर लास्ट में. वैसे बहुत बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, इनोवेटिव स्टफ्स इसमें देखने को मिलेंगे पक्का, फॉर श्योर. मूवी देखने को है ना, इट डजंट लुक लाइक नॉर्मल, कंटेंट भर के है. हां, मूवी में इमोशंस दिख रहा है बहुत सारा, ऑब्वियसली थोड़ा ऑब्वियसली डायलॉग बाजी भी अच्छी है, डांस तो होगी होगी. नोरा फतेह की डांसिंग भी क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं. आई मीन ओके, व्हेन इट कंपेयर्स टू द सॉन्ग्स व्हाट शी डज, इसमें जो डांस ये अच्छी लग रही है, शी इज परफेक्ट. या इसमें अच्छी लग रही है नोरा फतेह. And she is made for dancing. The way she dances, she's so flexible. And with that, I think actress जो हैं, Shraddha Kapoor, वो she improved a lot as a dancer. Like वो जो इसमें जितनी मेहनत की थी, ये भी सब में, she was not like very perfect in that. Yeah, but she put her efforts and she gave her 100%. Even Varun Dhavan bhi. Like, you know, Varun Dhavan was good actually. He was good, but the efforts what they have given in their ABCD 2, जो के है डांस मूव्स, जो परफेक्शन के साथ ये दो लोग किए हैं, आई थिंक अब थोड़ा ईज आउट हो गया था शायद उनके लिए. हाँ, क्योंकि अगर आप देखो इस ट्रेलर में या मेकिंग में, दे आर मोर कंफर्टेबल विद द मूव्स, विद दैट स्टाइल, एटमॉस्फियर एंड स्टफ. एंड इसमें हमें देखने को मिले हैं सलमान, जो के बैंगलोर के, वेरी हैंडसम, बहुत अच्छा लग रहा है. अरे वो पहले से भी है, जीते थे उसके बाद ही इज कम्प्लीटली इन टू दिस. एंड आई थिंक डांस इंडिया डांस ही था आई थिंक बहुत साल पहले. एंड इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल बैंगलोरियंस के यहाँ से आ गए थे. तो वो एक था. एंड या ही इज लुकिंग गुड, एंड उनकी एक्टिंग भी अच्छी है. एक झलक देखा था, या देखा था फर्स्ट में, मूवी में देखा था उनको, तो इसमें भी देखने को मिलेंगे. एंड हर हमेशा आई थिंक व्हाट आई हैव सीन इन द ट्रेलर इज वरुण धवन के पीछे पीछे ही हैं, तो फुल फोकस वरुण धवन के बाद थोड़ा धर्मेश भी थे इसमें. आई सॉ हिम, हां, मगर हां आई सॉ हिम. Or and just again we got to revisit जो प्रभु देव का ओले यो. अरे ये कैसे भूल सकते हैं, ये दो गाने जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, जबरदस्त गाने.
It is like, it's like nostalgia, right? Or you will remember again. You will connect exactly. with this movie. Exactly. Mukabla was the... वो क्या ब्रेक हुआ था ना, वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था, वो गाना इन्होंने सेलेक्ट किया है. और मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो वाला गाना भी, मीन किसको नहीं पता है, दूरदर्शन के डे से जानते हैं उस गाने को. आई आई ऑलवेज सी लाइक अमिताभ बच्चन ज्यादा दिखते थे इसमें फर्स्ट. जो कॉन्सेप्ट था सब मिल के, कहाँ कहाँ से किस किस कोने से मिल के एक सुर बनाते हैं, आई थिंक द motive of beautiful song actually bachpan yes. ke dimag mein aaj bhi hai to, it will reconnect yeah. bahut sare logon ko ye do gaane bhi reconnect karayenge dekhe zarur to wahi main bol rahi thi to wo jo motive usme dikhate hain yeah. dusre dusre jagah se connect hone ka to isme bhi wahi I think wo message pass on karna chahte hain jahan pe dusre india dusre, is one right india ki baat nahi dusre flavors of you know choreographers ya yeah. dancers koi bhi ho stage mein jab wo competition hota hai aur ye opposite team ka competition hota hai right to milte hain sur ek dusre se and बहुत अच्छा वेल प्लान्ड ये पूरा प्लॉट दिखता है एंड कंटेंट तो भरा पड़ा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है इसमें. तो होपफुली आपको ये हमारा रिएक्शन और हमारे थॉट्स यू नो आपसे भी बहुत जो भी मे भी आपकी मन में भी यही सारे बातें थी थोड़ा ये सुन के वो गाने सुन के या तो फिर ये ट्रेलर को देख के मे भी आप भी सोच रहे हैं कि ये भी सी डी 3 ही हो सकता था राइट. तो इस तरह हमारे बहुत सारे थॉट्स मिले होंगे ज़रूर. होपफुली आपको अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को क्लिक करके शेयर कर देना वीडियो अपने फ्रेंड के साथ. तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय. Bye. हम उस ट्रेलर का रिएक्शन करेंगे हम.